गोटे प्लाटफर्म रही अन्याय विरोध में लड़ाक हो सहित जातिभित्तिक जनगणना करने दावी करिछन्ति विरोधी इंडिया मेंटर सदस्य नुआदिल्ली अनुषित इंडिया मेंटर समन्वय और निर्वाचन रणकौशल कमिटी बैठक में एने आह्वान दीजिए आसंता अक्टोबर प्रथम सप्ताह भोपाल में मेंटर हो प्रथम साधारण सभा एनसीपी नेता शरद पवार बासभवन में अनुषित बैठक में 2024 लोकसभा निर्वाचन नहीं प्रस्तुत होती ब्लूप्रिंट विभिन्न दल नेता मेंट को दृढ़ करने प्रस्ताव देता बेले आगामी रणनीति नहीं आलोचना करते वर्तमान आसन बुझाणा होना जमापड़ गोटे प्लाटफर्म रही लोकों प्रति होता अन्याय विरोध में लड़ाई बैठक में आह्वान दीजिए गत जून में बसी विरोधी दलों प्रथम बैठक में निर्वाचन मंडल सबुठ शक्तिशाली प्रार्थी ठिया हे जो निष्पत्ति से संपर्क में आलोचना हो तेबे बैठक में झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी समेत अन्य केतक नेता जोगदे नापड़े सभी 12 पार्टी के मेंबर मौजूद थे। केवल तृणमूल कांग्रेस के अभिजीत बनर्जी नहीं थे, क्योंकि आज बदले की कार्रवाई के तहत और तंग करते हुए, जैसा कि मोदी सरकार की आदत बन चुकी है, आज ही उनको ईडी का समन दे दिया गया, तो वो आज मौजूद नहीं थे। बहरहाल सारे के सारे बाकी मेंबर मौजूद थे और कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पहला मुद्दा ये था कि अब जल्द से जल्द सारी पार्टीज अपने अपने राज्यों में जहां वो प्रभाव रखती हैं वहां पे सीट शेयरिंग के ऊपर बातचीत शुरू करेंगी और ये राज्यवार बातचीत होगी और इसको एक नियत टाइम फ्रेम के अंदर पूरा किया जाएगा। दूसरा ये है कि अब इंडिया अलायंस को जनता के बीच में आंदोलन में जाने की जरूरत है, तो इसकी रूपरेखा पर बात हुई और शुरुआत के तौर पर भोपाल के अंदर एक बड़ी जनसभा होगी जिसमें सभी 27 पार्टीज के नेतागण मौजूद रहेंगे। ये जनसभा अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी और महंगाई, बेरोजगारी और मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के ऊपर ये पब्लिक मीटिंग होगी।